हेलो एंड जेन स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। और आज क्रिकेट का पार्ट टू, फिजिकल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे कहा था कि सर क्रिकेट को डिटेल में यस फुल सिलेबस एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आज उनके लिए है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है या ऊपर आई बटन पे भी आप चेक कर सकते हैं और जाएं और फर्स्ट पार्ट भी जरूर देखें। तो आज हम जानेंगे फाइनली क्रिकेट कैसे खेला जाता है, क्या नए टर्मिनोलॉजीज क्रिकेट में आई हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। तो चलिए, एक रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो शुरू करने से पहले कि प्लीज अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन लिया है उनको भी यह वीडियो जरूर शेयर करें। सो लेट्स बिगिन। तो आज की वीडियो में जानेंगे सबसे पहले हाउ टू प्ले क्रिकेट। अरे आपने तो बहुत बार क्रिकेट खेला है। हाँ, 11 प्लेयर्स होते हैं खेलते समय, जब दो टीम्स उतरती है मैदान में तो 11 प्लेयर्स होते हैं। याद रखिएगा, मैदान की कोई साइज या शेप फिक्स नहीं है, राउंड, ओवल या इवन कुछ हद तक रेक्टेंगुलर भी है। और किस तरफ की फील्ड होती है, तो जो ग्राउंड होता है वो ग्रासी होता है। ज्यादातर ग्राउंड्समैन इस फील्ड को तैयार करते हैं, ग्राउंड्समैन क्रिकेट के मैदान को फर्टिलाइज करते हैं, मूव करते हैं। मूव एक मशीन होती है जो उबड़ खाबड़ मशीन को क्या करती है, समतल कर देती है। राउंड सी गोल घूमने वाली मशीन होती है, उसमें बड़ी भारी पहिए होते हैं। और रोलिंग और लेवलिंग, ये सारा काम करने वाला व्यक्ति ग्राउंड्समैन होता है। क्या आप जानते हैं पिच को बनाने के लिए भी एक्सपर्ट्स होते हैं? यस, क्या कहते हैं यस उन एक्सपर्ट्स को? ये है हमारा आज का क्वेश्चन आपके लिए, मेरे सुपरस्टार्स के लिए। व्हाट आर दी एक्सपर्ट्स यस जो पिच को क्रिएट करते हैं? 22 फीट की पिच होती है, एक स्टैंप से बॉलिंग के क्रीज से बैटिंग के क्रीज के बीच के स्टैंप की दूरी को हम लोग कहते हैं पिच। ये पिच आप जान चुके हैं कि ये पिच होती है 22 यार्ड्स की। हाँ, ये तो आप जानते हैं। तो अब आपको बताना है कौन पिच तैयार करता है या वो एक्सपर्ट ऑफ दी पिच क्या है। चलिए, मुझे बेसब्री से आपके आंसर्स का इंतजार होगा। तो इस तरीके से फील्ड तैयार हो जाती है और आप जानते ही हैं कि फील्ड का डायमीटर लगभग 140 से 160 यार्ड के बराबर होता है। और फील्ड की बाउंड्री यस फील्ड का पेरीमीटर जो होता है जिसको हम बाउंड्री कहते हैं, जी जिसको हम कहते हैं ना बाउंड्री स्कोर कर दिया। हाँ, तो ज्यादातर बाउंड्री को पेंट कर दिया जाता है या कुछ जगहों पे रस्सी रख करके भी क्या करते हैं, पूरी फील्ड को एक ओवल या सर्कुलर शेप में एनसर्कल कर देते हैं। दो तरीके से कर सकते हैं, पेंट या रोप लगा करके। हम लोग तो जब अपनी गली में खेलते हैं, अपने मोहल्ले में खेलते हैं, तो वहां तो ये सब झमेला ही नहीं करते हैं। उस आंटी के मकान पे गया बॉल तो आउट, उसके छत पे चला गया तो आउट, नीचे से गया सरक के गया है ना, और किसी के दरवाजे पे लड़ गया 4 रन या सामने वाले की दीवार पे मकान पे जहां जहां लड़ा यस 4 रन डायरेक्ट लड़ गया यस, बॉल उछल के चले गई बिना जमीन को छुए, हो गया 6 रन। यही है हमारा आपका मैच यस, ऐसे ही हम स्कोर बना देते थे। तो मैंने पहले ही बताया हम लोग जो है यस क्रिकेट को बहुत मस्ती के साथ खेलते रहे हैं। क्रिकेट की फील्ड स्क्वायर राउंड ओवल सब तरह की अलाउड है यस, रियल में भी। हाँ, ओवल का नाम सुना है ना? हाँ, ओवल क्रिकेट का एक सर्वोत्तम मैदान है और ओवल प्लेस भी है इंग्लैंड में। चलो, तो क्या ऑब्जेक्टिव होता है हर टीम का, हर टीम का मकसद क्या होता है? एक टीम खेलने उतरती है, वो सोचती है कि मैं अधिक से अधिक रन बना लूं और दूसरे रन को उससे पहले डिसमिस कर दूं, हरा दूं, उनको पूरा आउट कर दूं। अच्छा, क्रिकेट के कई रूप होते हैं, T20 आपने सुना, हाँ टेस्ट मैच सुना, और वनडे तो आप जानते ही पॉपुलर है। तो किसी एक फॉर्म में क्रिकेट में जिसमें विनिंग गेम करने का तरीका क्या है, आपको ज्यादा रन बनाने हैं और इवन इफ द अपोजिशन हैज नॉट कंप्लीटली बीन डिसमिस्ड, हो सकता है कि 11 के 11 खिलाड़ी अपोजिशन के नहीं आउट हुए फिर भी आप जीत लिए मान ले जाओगे, ऐसा कब होता है? T20 में भी ऐसा होता है और वनडे मैच में भी ऐसा ही होता है। आपकी टीम ने 250 रन बना लिए, चलो एग्जाम्पल देता हूं, और बाद में जब दूसरी टीम की बारी आई खेलने की, वह ऑल आउट हो गई और 250 से कम रन बनाया, ऑल आउट हो गई है ना, और 250 से कम रन बनाया, लेस देन 250 रन बनाया,
तो भी आपकी जीत हो जाएगी, है कि नहीं है। तो जीतने का एक तरीका तो ये भी है, ये रूल किसमें अप्लाई होता है, ये वाला रूल इस वाले फॉर्म ऑफ मैच में, यस T20 में भी अप्लाई होता है और वनडे में भी होता है। एक और टाइप का मैच है टेस्ट मैच, उसमें क्या होता है देखिए, टेस्ट मैच में नियम होता है कि आपको स्कोर ज्यादा रन तो करना ही है, साथ में सामने वाले को डिसमिस भी करना है। अपोजिशन अगर पूरा आउट नहीं हुआ है तब तक आपकी जीत नहीं मानी जाएगी। जी ये रूल है टेस्ट मैच का, आपने बनाया, यस आपने बनाया 250 runs, अगर सामने वाली टीम बचे हुए सारे दिन को खेल जाए, भले वो 250 रन नहीं भी बनाए, पर उसके सारे प्लेयर्स आउट नहीं है, आप जीते हुए नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी रूल है। आइए तो मैच शुरू करने से पहले कैसे मैच शुरू होता है, हाँ हमारे यहां तो यस, हम लोग जो अपने मैदान में गली में खेलते हैं, अपने अपने दोस्तों के बीच में खेलते हैं, तो सिक्का उछालना तो वैसे एक कॉमन प्रक्रिया है, क्योंकि सिक्का तो प्रोबेबिलिटी के केस को कॉलो करता है, है ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो जो टीम यस जो कैप्टन टीम जीतता है, ऐसे कॉइन जीतता है, वो डिसाइड करता है कि बॉल करेंगे कि बैट करेंगे, ठीक है ना। वैसे हम लोग तो हमेशा बैटिंग फर्स्ट लेते हैं, यस मैं और आप जब खेलते हैं तो पहले बैटिंग चाहिए। तो कैप्टन जो जीतता है वो उसको क्या करना होता है, उसी को डिसाइड करना होता है, ठीक है, उसी को डिसीजन लेना होता है। वो डिसीजन लेता है तो फील्ड की कंडीशंस को, वेदर की कंडीशंस को देखते हुए लेता है, है ना, ये उसका डिसीजन है। याद रखना है कि सबसे मेन एक्शन क्रिकेट का कहां होने वाला है, सबसे मेन एक्शन पिच में होने वाला है, वही 22 yard के अंदर होने वाला है, याद रखिएगा। पिच में, यस पिच में ही सारी बॉलिंग होने है, सारा बैटिंग होनी है, ठीक है, और पिच के दोनों तरफ आपको मिलेंगे विकेट्स। आप तो जानते ही हैं, इसके पहले भी मैंने आपको स्क्रीन में यस उसकी इमेज दिखा दी थी। अच्छा, विकेट्स दोनों तरफ हैं, एक तरफ बॉलिंग साइड है जहां से बॉलर्स विकेट की तरफ बॉल फेंकते हैं, इनका मकसद होता है विकेट को ही टारगेट करना, वो बैट्समैन के विकेट को उड़ा देना चाहता है। और जबकि स्कोर कैसे मिलेगा, रन कैसे मिलेगा, ठीक उल्टा करके, आपको अपना विकेट तो बचाना है और रन पाने के लिए क्या करना है, बैट्समैन को दौड़ना है दूसरे, यस दूसरे क्रीज को टच करना है बैट सहित, ही हैज टू रन टू द अदर क्रीज विथ हिज बैट। और क्या तरीका है रन स्कोर करने का, आप बाउंड्री मार दीजिए, यस आपकी बॉल आपके बैट से लगी बॉल यस बाउंड्री तक चले जाए, 4 run मिल जाएगा, या तो आपकी बॉल डायरेक्ट चली जाए बिना टच किए बाउंड्री को, यस जमीन को, एयर से चली जाए आपके बैट से, यस उसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, 6, ठीक है। आइए, हो सकता है बैट्समैन रन ही ना बनाए तो उसे कहते हैं डेड बॉल, इज डेड, ठीक है। अच्छा, बॉलर्स क्या करना चाहते हैं, बॉलिंग करने वाली टीम हमेशा चाहती है कि आपको जल्दी से जल्दी डिसमिस कर दे, बैट्समैन को जल्दी से जल्दी ऑल आउट कर दे, है कि नहीं है। और एक प्रोफेशनल मैच में जब बड़े खिलाड़ी सब खेल रहे होते हैं तो 15 people का होना फील्ड में जरूरी है, मैदान में एक टाइम पर 15 लोग उतरते हैं। सर 15 लोग कौन होते हैं, आइए बताते हैं 15 लोग कौन होते हैं। पहले तो 2 umpire चाहिए आपको, मैदान में 15 लोग उतरते हैं, याद रखिएगा 2 umpire होते हैं। पहला एम्पायर कौन होता है, यस इस एम्पायर को हम स्ट्राइकर बोलते हैं, क्या, जिसको हम स्ट्राइकर, वन ऑफ होम इज दी स्ट्राइकर, ठीक है ना, ये वो एम्पायर होता है जो विकेट को, यस विकेट को फेस करता है, बॉलर के पास खड़ा होता है, जिस साइड बॉलिंग क्रीज होती है वहां खड़ा होता है। दूसरा एम्पायर, दो मैंने बोला था ना, 2 umpire, दूसरा एम्पायर होता है स्क्वायर लेग एम्पायर, कौन, स्क्वायर लेग एम्पायर, सेकेंड स्क्वायर लेग एम्पायर क्या करता है, 10 से 12 मीटर दूर खड़ा होता है स्क्वायर लेग पोजीशन में, बैट्समैन जो बैटिंग कर रहा है, जिसको हम ऑन स्ट्राइक बैट्समैन कहते हैं, उस पर नजर रखता है, कौन, दूसरा एम्पायर। तो 2 umpire हो गए, एक स्ट्राइकर एम्पायर हो गया और एक स्क्वायर लेग एम्पायर हो गया, ठीक हो गया। चलिए और कौन है आपके पास, होते हैं 11 खिलाड़ी बॉलिंग साइड वाले, जो बॉलिंग कर रहे होते हैं, 2 खिलाड़ी यस बैटिंग साइड से होते हैं, एक बैट्समैन होता है इसमें, यस और एक नॉन स्ट्राइकर एंड पे, एक स्ट्राइक एंड पे जिसको हम कहते हैं बैटिंग कर रहा है और एक रनिंग कर रहा है, 2 हो गए, टोटल कितने हो गए, 15 खिलाड़ी हो गए, ठीक है ना। अच्छा,
एम्पायर के पास पावर है, याद रखिएगा, किस चीज का पावर है? मैच को पोस्टपोन करने का, मैच को कैंसिल करने का। हाँ, अगर वो देखता है रेन्स पड़ रही है या लाइट इतनी डिम है, वो मैच को पोस्टपोन कर सकता है। क्या फील्ड के बाहर भी कोई एम्पायर होता है, क्या कहते हो? हाँ, जिस मैचेस में टेलीविजन मैच होता है उसमें एक थर्ड एम्पायर होता है। थर्ड एम्पायर कौन होता है? थर्ड एम्पायर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सारी घटना को टेलीविजन स्क्रीन पर, यस, वीडियो एविडेंस के रूप में देखता है। यही एम्पायर जब आपको रन आउट में डाउट होता है कि रन आउट है कि नहीं खिलाड़ी, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप जो सामने देख रहे होते हो वो बार बार रिप्ले नहीं हो सकता है जब रियल मैच चल रहा होता है, पर आप रिकॉर्डिंग में तो बार बार देख सकते हो, तो वो वीडियो एविडेंस में थर्ड एम्पायर से डिसीजन लिया जाता है। थर्ड एम्पायर का होना कंपलसरी है अगर वो टेस्ट मैच है और अगर वो या तो कोई इंटरनेशनल मैच है। कोई भी इंटरनेशनल मैच में थर्ड एम्पायर का होना जरूरी है। और हर मैच, यस, जब भी मैच खेला जाता है तो एक इंटरनेशनल मैच में रेफरी का होना, सर ये नया व्यक्ति कौन है, रेफरी कौन है? रेफरी तो फुटबॉल में होता है, नहीं, रेफरी का मेन मकसद है देखना कि गेम्स जो खेले जा रहे हैं, क्रिकेट जो खेला जा रहा है, वो रूल्स ऑफ क्रिकेट के से खेला जा रहा है, नियम को तोड़े बिना खेला जा रहा है, और स्पिरिट ऑफ द गेम, यस, खेल भावना से खेला जा रहा है। किसी भी गेम में फाइन लगाने का खिलाड़ियों पे, यस, खिलाड़ी जब बदतमीजी कर देते हैं, एक दूसरे को गाली दे देते हैं, धक्का दे देते हैं, मिसबिहेव कर देते हैं, तो यार रेफरी उन पर फाइन लगा सकता है, जानते हैं ना, ऐसा कई बार आपको मालूम होगा खिलाड़ी पे लग चुका है। हर टीम में दो स्कोरर होते हैं। स्कोरर वो होते हैं, यस, जो स्कोर रिकॉर्ड करते हैं, इनको हम ऑफिशियल स्कोरर्स कहते हैं, ठीक है ना। दोनों टीम की तरफ से एक एक स्कोरर होता है, ठीक है ना, एक विनिंग मतलब एक बैटिंग साइड एक बॉलिंग साइड दोनों टीम से। अच्छा, स्कोरर्स को स्कोर को कैसा पता चलता है? तो वो एम्पायर के हैंड सिग्नल्स को देखते रहते हैं हर समय। उनकी जिम्मेदारी क्या होती है? एम्पायर्स के हाथ की तरफ देखते हैं। एम्पायर अपने इशारे से बता देता है, चलो एक इशारा करता हूं, आप बताइए ये किस चीज का इशारा है। हाँ, आप मेरे इस इशारे को देख के बता सकते हैं क्या चीज का इशारा कर रहा हूं। चलिए आप बताइए, और ये इशारा किस चीज का है? यस, डांस नहीं कर रहा हूं, बताइए आप। यस, तो अगर बैट्समैन हिट कर देता है डायरेक्टली, बाउंड्री के पार चले जाती है बॉल, तो सिक्स का इशारा करता है, और अगर मैंने कहा लुढ़कते हुए, टिप खाते हुए, है ना, चले जाती है, तो फोर रन हो जाता है। चलिए आप बता सकते थे वैसे। तो स्कोरर की जिम्मेदारी है कि वो स्कोर्स को रिकॉर्ड करे, विकेट्स मेंटेन करे, रिकॉर्ड लिखे, और कितने ओवर्स बोल्ड हुए हैं इसको भी रिकॉर्ड करे। हर मैच में इनिंग्स होती है। सर ये इनिंग क्या होती है? इनिंग का मतलब होता है कलेक्टिव परफॉर्मेंस, सारे खिलाड़ियों का, यस, जो बैटिंग कर रहे हैं उन सब का परफॉर्मेंस कुल मिला के कितना था। कहते हैं ना कि एक टीम, यस, ने पहली इनिंग में, यस, इंडिया ने अपनी इनिंग में 250 रन बनाए, सुना है ना। तो जब 11 के 11 खिलाड़ी, यस, अपना बैटिंग कर चुके होते हैं तो हम कहते हैं कि उन्होंने अपनी एक इनिंग खेल दी, ठीक है ना। और इनिंग कई बार, यस, ऐसे भी देखी जा सकती है कि किसी इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस को, कोई अच्छा बैट्समैन खेला था तो कहते हैं ही हैज प्लेड अ फाइन इनिंग। क्या क्या मैच खेलते हो भाई तुम, सचिन के लिए तो ऐसा कई बार कहा गया होगा। बॉलर क्या चाहते हैं? बॉलर अपने फील्डर की मदद से चाहते हैं सारे बैट्समैन को जल्दी से जल्दी, ताकि वो जल्दी जल्दी आउट करना। याद रखना, आउट होना, डिसमिस होना, इसका मतलब है कि वह प्लेयर फील्ड छोड़ देगा, और फील्ड छोड़ने के बाद दूसरे प्लेयर उसके बदले, दूसरा बैट्समैन उसके बदले आएगा, इसी को कहते हैं आउट होना। कितने लोगों को आउट करना होता है? 11 लोगों को आउट करना होता है? नहीं, 10 लोगों को आउट करना होता है, ओनली 10 बैट्समैन। क्यों? क्योंकि जब भी बैट्समैन उतरेंगे तो दो होने चाहिए, एक सिंगल बैट्समैन, यस, अगर कोई लास्ट में बैट्समैन बच भी गया, भले वो आउट ना हुआ हो, तो पर वो खेलता नहीं है। हाँ, उसको खेलना अलाउड नहीं है, ही इज नॉट अलाउड टू बैट, ठीक है ना। जब भी रहना है तो उसको दो बैट्समैन रहना है, ठीक है ना, भले वो बैट्समैन है आउट नहीं है, बट स्टिल उसको बैटिंग नहीं मिलेगी, टीम का इनिंग खत्म जब 10 खिलाड़ी आउट हो गए, ठीक है ना। और जैसे ही एक टीम की डिसमिस हो जाती है, एक टीम की पूरी बैटिंग टीम खत्म हो चुकी है, 10 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, अब बचती है दूसरी टीम जो पहले बॉलिंग कर रही थी, यस, अब बॉलिंग टीम की बारी आती है, ठीक है ना, बैटिंग करने के लिए। अच्छा, एक इनिंग को
कैप्टन भी चाहे तो डिसमिस कर सकता है। थ्री रीजंस हो सकते हैं। रीजन वन, पहला रीजन, कब वो डिसमिस कर सकता है? अगर कैप्टन को लगता है कि वो डिक्लेयर करना चाहता है, यस, इनिंग को डिक्लेयर करना मतलब समय से पहले, है ना, समय से पहले, ज्यादातर टेस्ट मैचेस में, हाँ, 5 डे टेस्ट मैचेस, 3 डे टेस्ट मैचेस में ऐसा होता है, या कब कर सकता है? सेकंड, दूसरा चॉइस में दे रहा हूं, टू लिख दे रहा हूं यहां पर। सेकंड कब करता है? जब उसे लगता है कि उसके टारगेट्स पूरे हो गए हैं और वह गेम जीत चुका है। जब वो गेम ही जीत चुका है, पूरे 50 ओवर के खेलने की जरूरत थोड़ी ना है। या तीसरा और आखिरी, कब वो डिक्लेयर कर सकता है इनिंग ओवर? जब द गेम हैज एंडेड प्री मैच्योर ड्यू टू बैड वेदर और ऑल रनिंग आउट ऑफ द टाइम, या तो टीम को जो टाइम मिला था वो टाइम पूरा हो गया है। तो इस तरीके से इनिंग को ओवर, यस, बीच में ही खत्म किया जा सकता है, डिसमिस किया जा सकता है। चलिए, ओवर का मतलब क्या होता है? ओवर, हाँ, एक बॉलर जो होता है वो 6 बॉल के सेट को, क्या कहते हैं, 6 डिलीवरीज देता है, एक समय में 6 बॉल एक साथ फेंकता है, और जब 6 बॉल एक साथ फेंकता है तो हम उसे आम भाषा में कहते हैं ओवर हो गया, अब तुम्हारा ओवर खत्म, मेरी बारी शुरू। याद रखिएगा, ओवर का डिक्लेयर कौन करता है? ओवर को डिक्लेयर अंपायर करता है, अंपायर आवाज लगाता है ओवर, ठीक है ना, जब 6 बॉल हो जाती है। याद रखिएगा, बैट्समैन अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। एक बॉलर कैन नॉट बॉल 2 सक्सेसिव ओवर, 2 ओवर, पहला ओवर फेंकने का दूसरा ओवर वो नहीं फेंक सकता। क्यों? क्योंकि ये क्रिकेट का एक रूल है, ठीक है ना, और बैट्समैन को अपनी चेंज नहीं करनी होती पोजीशन। बैट्समैन आजकल अपनी पोजीशन पे ही रहते हैं। जो नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन होता है वो स्ट्राइकर बन जाता है, क्योंकि बॉलर्स अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं। यस, द अंपायर ऑल्सो चेंज इट्स पोजीशन। देखा, जो स्क्वायर लेग अंपायर होता है अब वो बिहाइंड द विकेट चला जाता है, है ना, नॉन स्ट्राइकर एंड पे चला जाता है, और उसका उल्टा हो जाता है। जो बिहाइंड द विकेट वाला अंपायर होता है वो स्क्वायर लेग बन जाता है। तो सब लोग अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, बैट्समैन ओवर हो जाने के बाद अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। पहला रूल याद होगा आपको, हमको अपना, जब क्रिकेट खेलते थे तो क्या करते थे हम लोग, ये रूल फॉलो नहीं करते थे। हम लोग क्या करते थे, ओवर हो जाने के बाद हम लोग अपनी पोजीशन चेंज करते थे। हम बैटिंग कर रहे होते थे, लास्ट बॉल पे अगर हमने रन नहीं बनाया, लास्ट बॉल हम खेल गए, तो अब अगली बॉल किसको खेलने मिलेगी, अगले ओवर की पहली बॉल उस नॉन स्ट्राइकर को मिलेगी, और हम लोग अपनी पोजीशन चेंज कर देते थे। ये रूल बदल चुका है। चलिए, टीम की बात करते हैं। तो एक टीम में मैंने कहा 11 खिलाड़ी हैं, ये तो आप जानते हैं, और हर तरह के खिलाड़ी होते हैं। ज्यादातर एक टीम 5 से 6 बैट्समैन रखना पसंद करती है और लगभग 4 से 5 बॉलर रखना पसंद करती है। हर टीम में एक और स्पेशलिस्ट व्यक्ति होता है जिसको हम कीपर के नाम से जानते हैं, और आप तो जानते हैं मिस्टर, यस, हमारे देश में धोनी, जो कि मिस्टर कूल माने जाते हैं, कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं। वो हमारे, यस, विकेट कीपर भी हैं और कैप्टन भी हैं। विकेट कीपर का इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है आजकल जी, बिहाइंड द विकेट रहने वाला। ये रहा स्क्रीन पर, आप फिर से एक बार देख पाएंगे, ये रहा स्क्रीन पर पूरा, यस, एक जगह सारी इमेज जी देख पाएंगे। यहां पर बैट्समैन रहेगा जी, इस जगह बैट्समैन रहेगा, है ना, और इसके पीछे ये विकेट कीपर है। इसके बगल में आप देखेंगे फर्स्ट स्लिप, सेकेंड स्लिप, थर्ड स्लिप, क्योंकि बॉल यहां जाने के बाद, हो सकता है लड़ने के बाद यहां भी जा सकती है, और कभी कभी यहां भी जा सकती है, ठीक है ना। और इस साइड आप देखेंगे जी, इस साइड मिल जाती है उसको गली। इसी तरह से अलग अलग पॉइंट्स हैं जी, यहां पर आपको अब मिल जाएगा बॉलर, और यहां पे आपको मिलेंगे, यस, स्ट्राइक वाले अंपायर, यस अंपायर, यस, इस अंपायर को, यस, मेन अंपायर बोलते हैं, और ये वाला जो अंपायर है, यस, ये रहा लेग एम्पायर, ठीक है ना, शॉर्ट लेग के बगल में खड़ा है, यस, शॉर्ट लेग के बगल में खड़ा है लेग एम्पायर, स्क्वायर लेग एम्पायर, ठीक है ना। चलो आगे, आपको यस नाम पता होना चाहिए। यस, आता है कुछ बेसिक थिंग्स, बॉलिंग, बॉलिंग, यस, एक बॉलर क्या करता है, कुछ दौड़ करके, यस, बॉलिंग करना पसंद करते हैं। स्लो बॉलर जो होते हैं, यस, वो 2 ही 4 कदम लेते हैं, 2-4 कदम लेते हैं और बॉल फेंक देते हैं। पर जो पेस बॉलर होते हैं, जो फास्ट बॉलर होते हैं, यस, उनको मोमेंटम पाने के लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा दौड़ के आना पड़ता है, ठीक है ना। वैसे फास्टेस्ट बॉलिंग करने वाले लोगों की स्पीड बताई गई है अप्रॉक्सीमेटली 140 किलोमीटर पर आवर या 90 माइल्स पर आवर। क्यों ऐसा करते हैं, क्यों इतना तेज बॉल डालते हैं,
अरे ताकि बैट्समैन उनके बॉल की स्पीड को ना पकड़ पाए। हाँ, बैट्समैन इतनी तेज हुई आती हुई बॉल पे रिएक्शन न दे पाए, बैट अपना उतनी ही स्पीड से न चला पाए और वह बॉल मिस कर जाए, आउट हो जाए, है ना। बैट्समैन को एक तरह से कहें यस चीट करने के लिए, धोखा देने के लिए, डिफीट करने के लिए, उसके लिए वो स्पीड लगाता है बॉल में और क्या करता है, स्पिन करता है, यस ग्यूआइल करता है। कुछ बॉलर्स तो क्या करते हैं, बॉल को सीम करते हैं, क्या करते हैं वर्ड एस ई ए एम। सीम करने के लिए क्या करना पड़ता है, बॉल को कर्व करना पड़ता है, ठीक है ना, इट कर्व्स फॉर एंड स्विंग्स, बॉल को स्विंग करना पड़ता है, ठीक है ना। ये किसके लिए करना होता है, ताकि बैट्समैन अपनी टाइमिंग मिस कर जाए, अपना शॉट मिस कर जाए, या कई बार उसके पास बैट से एज से टच करते हुए बैट निकल जाए, बॉल निकल जाए और आसान सा वो कैच विकेट कीपर या स्लिप, मैंने दिखाया था आपको फर्स्ट स्लिप सेकंड स्लिप थर्ड स्लिप को कैच दे बैठे। फील्डिंग किसी भी यस मैच में आजकल माना जाता है कि कैचेस विन मैचेस, सुना होगा नाम ना, तो फील्डर्स बड़े इंपॉर्टेंट है कैच करने के लिए। 11 से 11 खिलाड़ी यस, उसमें से उसमें से विकेट कीपर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमेशा विकेट के पीछे रहता है और मौके पे क्या करता है, यस बैट्समैन को विकेट आउट कर देता है, यस स्टंप आउट कर देता है। विकेट कीपर एक स्पेशलिस्ट व्यक्ति होता है। हाँ, इसका काम क्या होता है, बॉल को गैदर कर लेना बैट्समैन अगर वो इसे हिट ना करे, ताकि वो बाय के रन ना ले सके। बाय के रन तब मिलते हैं जब बॉल बैट से भी नहीं लगती है, विकेट कीपर पकड़ नहीं पाता है और फ्री के रन मिल जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक ही खिलाड़ी है जिसको ग्लव पहनना अलाउड है, एक ही खिलाड़ी को फील्ड में अदर देन बैट्समैन ग्लव्स पहनना अलाउड है, फील्डर में बात कर रहा हूं, फील्डिंग साइड में, तो वो खिलाड़ी है विकेट कीपर। जी, सिर्फ और सिर्फ विकेट कीपर को अलाउड है, वो ग्लव्स भी पहनता है और पैड्स भी पहनता है। याद रखिएगा कि एक अच्छा एक अच्छा विकेट कीपर मौके से क्या करता है, बैट्समैन को आउट भी कर सकता है, कैच आउट करने का बहुत अच्छा चांस मिलता है और स्टंप आउट करने का भी उसे बहुत मौके मिलते हैं। पिच को मैं डिस्कस कर ही लिया हूं कि 22 यार्ड लंबी होती है, दो तरफ विकेट्स बिछे होते हैं, तीन तीन विकेट्स के समूह होते हैं और उन तीन विकेट्स एक तरफ, एक दो तीन, तो तीन विकेट दूसरी तरफ, इन दोनों विकेट्स के बीच की दूरी 22 यार्ड की होती है और चौड़ाई होती है 10 फीट, यस 10 फीट। इसके बीच में घास लगी होती है, छोटी छोटी घास लगी होती है, है ना, और एक टीम क्या करती है, इस पिच का बहुत ध्यान रखती है। विकेट, हाँ, हर विकेट जो कि लकड़ी के बने होते हैं, हर एक विकेट जो कि लकड़ी का बना होता है, वो एक लकड़ी का डंडा होता है, राउंड सा डंडा होता है, नीचे से नुकीला होता है यहां से, ताकि इसको जमीन में पुट किया जा सके, और ऊपर इन विकेट्स के बीच में बेल लगी होती है। क्या लगी होती है, गिल्ली, आम भाषा में गिल्ली बोलते हैं, इसके बीच में गिल्ली लगी होती है, मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है, ठीक है ना। विकेट की टोटल लंबाई, विकेट की टोटल लंबाई क्या बेल्स की सहित 28.5 मीटर होती है। जी, टोटल लंबाई, ये टोटल लंबाई, ये टोटल लंबाई 28.5 मीटर होती है और स्टंप के बीच की दूरी तीनों मिला करके, तीनों स्टंप्स की दूरी मिला करके होती है 9 इंच। अच्छा, क्रिकेट में क्रीज भी होती है, जी हाँ, क्रीजेस भी होती हैं, एक नहीं दो नहीं 4 क्रीज लाइन होती है। क्रीज, हाँ, ज्यादातर ये पेंटेड लाइन होती है, पिच पे बनी होती है, क्यों, ताकि पता कर सकें कि बैट्समैन की सेफ टेरिटरी कहाँ है, अगर बैट्समैन इसके अंदर खड़ा है तो सेफ है, और यह जान सकें कि बॉलर की लिमिट कहाँ है, कहाँ तक बॉलर दौड़ लगा सकता है, इसके बियॉन्ड जाएगा तो बॉलर की बॉल क्या मानी जाएगी, नो बॉल। जी हाँ, बैट्समैन अगर इस क्रीज को लांग देगा बॉलिंग की तो नो बॉल हो जाएगी। तो देर आर क्रीज के अलावा, बॉलिंग क्रीज के अलावा दो क्रीज और होती है, जी द पॉपिंग और बैटिंग क्रीज। जी, पॉपिंग और बैटिंग क्रीज मतलब समझ गए, जहां से बैट्समैन बैट करने जाता है, और होता है बॉलिंग क्रीज जहां से बॉलर को बॉल लेकर जंप करना होता है, और दो और क्रीज होती है, तो एक हो गई बैटिंग क्रीज, एक हो गई बॉलिंग क्रीज, दो हो गई, और दो हो गई रिटर्न क्रीज, तो टोटल क्रीज कितनी हो गई, 4।
रिटर्न क्रीज वो है जब दौड़ कराने पर उसे उस बैट लेकर रनर को यस बैट लेके पहुंचना होता है। ठीक है, याद रखिएगा बॉलिंग क्रीज 8 फीट 8 इंच लंबी होती है। ठीक है ना, कितना 8 फीट 8 इंच लंबी होती है। ठीक है ना, और पॉपिंग क्रीज भी सेम लेंथ की है और वो पैरेलल होती है जी। मैं आपको एक इमेज दिखा दे रहा हूं, यस ठीक है ना, और 4 फीट इन फ्रंट ऑफ द विकेट होती है जी, विकेट के आगे 4 फीट की होती है। ठीक है, और रिटर्न क्रीज भी जो होती हैं वो दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जी, जहां पे बैट्समैन को दौड़ के बाद लौटना होता है। याद रखिएगा रिटर्न क्रीज पर न आने पर जी आउट मान लिया जाएगा। अच्छा, अगर एक बॉलर रूल तोड़ता है, क्या रूल तोड़ता है, वह अपने कदमों को, वह अपने पैर को यस बॉलिंग क्रीज से बाहर ले जाता है, यस व्हेन द बॉलर यस फुट, जिसके पीछे के फुट है उसका डिलीवरी फुट है यस लैंड विद इन द रिटर्न क्रीज, तो ठीक है, एंड फ्रंट फुट मस्ट लैंड ऑन और बिहाइंड द पॉपिंग क्रीज। कहां पैर होना चाहिए, ऑन द या बिहाइंड द पॉपिंग क्रीज। अगर इसके आगे गया, पॉपिंग क्रीज को अगर उसने पार किया तो बॉल कहलाएगी नो बॉल। समझ गए ना, नो बॉल। याद रखिएगा सारा दारोमदार किस पर है, एम्पायर पर है। याद रखिएगा स्ट्राइक एम्पायर पर है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर हार्ड पिच होती है तो ज्यादातर क्या होता है, ये बैटिंग पिच मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि यहां बाउंस बहुत मिलता है। और इसका उल्टा कर दो, ड्राई पिच होती है, मतलब जहां पे बाउंस नहीं होता है, क्रैक्स बहुत होते हैं, वहां पे स्पिनर्स को बहुत फायदा मिलने वाला है, वहां पे बॉल बहुत टर्न करेगी, क्योंकि ड्राई क्रिच फटी हुई क्रिच होती है ना, दरार होती है उसमें, तो बॉल बहुत टर्न करती है। और अगर डैम्प पिच मिल जाए तो, मतलब गीली पिच मिल जाए, अक्सर जहां पर यस वेट विंटर सीजन में ऐसा होता है, तो वहां पे फास्ट बॉलर को बहुत मजा मिलने वाला है, बॉल एक्स्ट्रा बाउंस करेगी। तो पिच के टाइप पे यस बैट्स कैप्टन डिसाइड करता है कि अब हम पहले बैट करें कि बाद में बैट करें। टॉस जीतने के बाद कैप्टन डिसाइड करता है। आइए बैट के बारे में थोड़ा जाने। बैट लकड़ी की होती है, वो तो आप जानते ही हैं। देख लीजिए बैट की टोटल लंबाई 38 इंच होती है। मैं आपको स्क्रीन पे यस थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करके भी दिखा सकता हूं, यस थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करके भी बैट दिखा दे रहा हूं। ये ना बैट की टोटल लंबाई देखिए कितनी है, मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया 38, और बैट की चौड़ाई कितनी है, यस 4 1 1/4 इंच। बस इससे ज्यादा बैट चौड़ी नहीं लगता, मेरी मर्जी इतनी चौड़ी बैट लेके चले आएंगे नहीं। हमारे यहां तो पहले बैट नहीं भी होती थी, तो जो कपड़ा पीटने वाला होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ उससे ही खेल देते थे। बैट तो हम लोग को नहीं मिलती थी तो खेल लेते थे, क्या बोलते हो, है कि नहीं है। आप और हमने तो बहुत मैच खेले होंगे बिना बैट के भी, हम लोग तो पहले हैंड क्रिकेट ही खेल लेते थे। चलो बॉल की बात करते हैं, ज्यादातर बॉल लेदर की, यस हम और आप लेदर की बॉल से कम खेलना पसंद करते हैं, हम तो कैनवस की बॉल खेलो उससे ज्यादा मजा आता है। क्यों, क्या कहते हैं आप लोग, कैनवस की बॉल में ज्यादा मजा आता है कि लेदर की बॉल पे? हाँ आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आई एम पर्सनली गोइंग टू कमेंट ऑन ईच एंड एवरी आंसर। तो लेदर की सीम्ड बॉल, क्या लेदर सीम्ड स्पेरॉइड बॉल होती है, कितने सर्कमफ्रेंस की होती है, 9 इंच का सर्कमफ्रेंस, मतलब बाहर का टोटल, यस बाहर की टोटल गोलाई, ठीक है ना। और बॉल मैंने बता दिया था, सीम पता बताया ना, उसमें क्या होता है, बाहर से स्टिचिंग होती है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, हाँ यहाँ पे आपको स्टिच दिखाई देंगे, सिलाई दिखाई देगी। मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं और इमेज भी आपको देने की कोशिश करूंगा, यस। चलिए, अगर बैट्समैन को क्या करना होता है, प्रोटेक्टिव क्लॉथ पहनना होता है, जैसे बैट्समैन पैड पहनते हैं, बैटिंग ग्लव्स पहनते हैं, अपने सर को बचाने के लिए हेलमेट पहनते हैं, और तो और आजकल एब्डोमिनल गार्ड भी पहनते हैं, ठीक है ना। और आता है, अब आता है एम्पायर्स के बारे में, तो मैंने बता दिया दो एम्पायर है, एक एम्पायर बिहाइंड द विकेट है और दूसरा सेकेंड एम्पायर स्क्वायर लेग पर है, ठीक है ना, स्क्वायर लेग पोजिशन एम्पायर, ठीक है ना। ये दोनों एम्पायर अपनी अपनी पोजिशंस चेंज करते हैं, दो हो गए एम्पायर, मैंने दूसरे एम्पायर का नाम भी लिख दिया स्क्वायर लेग एम्पायर। आगे कुछ नए रूल्स आ चुके हैं, हाँ क्रिकेट में नए नए रूल्स लेटेस्ट आते रह रहे हैं, कौन बनाता है क्रिकेट के रूल्स, क्या कहते हैं, तो क्रिकेट के रूल्स ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बना रही है, और इसका हेडक्वार्टर अब दुबई में है जी,
सऊदी अरेबिया दुबई में। तो अगर एक टीम में 11 खिलाड़ी हैं, ये तो आप जानते हैं, एक टीम में 11 प्लेयर्स हैं, ये तो आप जान गए हैं। अच्छा, वन प्लेयर इसमें कैप्टन होगा, हर टीम में एक कैप्टन होगा, एक प्लेयर वाइस कैप्टन होगा, अगर कैप्टन नहीं होगा तो वाइस कैप्टन, याद रखिएगा टॉस से ही डिसाइड होता है। यस, बिफोर द टॉस और द इवनिंग प्लेयर्स शुड बी नॉमिनेटेड बाय द कैप्टन। यस, ठीक है ना, टॉस करने से पहले कैप्टन को अपने प्लेयर्स बताने पड़ेंगे कि ये मेरे साथ खेलने वाले खिलाड़ी हैं, टॉस जीतने से पहले, बैटिंग साइड बॉलिंग साइड। अच्छा, बाउंड्री क्या होता है? बाउंड्री मतलब जहां पर, यस, 75 से 85, यस कीवर्ड है 75 से 85 फीट की बाउंड्री होती है। बाउंड्री वही है जहां पर मैंने कहा आपका 4 रन या 6 रन होता है, ठीक है ना, पिच बीच में होगी तो बाउंड्री आपको यहां बाहर मिलेगी, ठीक है ना। आता है फॉलो ऑन, कब मिलता है? ज्यादातर 200 रन की जब लीड हो जाती है, एक टीम दूसरी टीम को 200 रन पहले ही आउट कर देती है 5-day मैच में तो लीड मिल जाता है, या 150 रन पहले आउट कर देती है 3-day मैच में, या 100 रन पहले आउट कर देती है 2-day मैच में, या 75 रन पहले आउट कर देती है 1-day मैच में। इनमें वो अपोजिशन टीम को फॉलो ऑन दे सकते हैं। बैट्समैन आउट कैसे कैसे होते हैं, या तो बाउल्ड हो जाए, अर्थात बॉल जाकर के क्या करे, विकेट को लग जाए, और या तो ही स्कॉट कैच हो जाए उसका, या ही हैंडल्स दी, व्हेन ही हैंडल्स दी बैट, यस, जब वो क्या करता है, बैट से ही क्या करता है, हिट कर देता है विकेट को, और या तो वो हिट द बॉल ट्वाइस तो भी आउट है। LBW वो या उसके शरीर का पार्ट, बैट्समैन या उसके शरीर का पार्ट बॉल को विकेट पे जाने से पहले रोक लेता है, आउट मान लिया जाता है, या इज आउट, रन आउट हो जाता है, और या तो रन आउट तो आप जानते हैं क्रीज से पहले ही बेल उड़ा ली जाती है, उसके रिटर्न क्रीज में आने से पहले ही, यस, विकेट उड़ा दिया जाता है। व्हेन ही हिट्स विकेट विद बैट, बता दिया था, या बॉडी पार्ट्स या ड्रेस, या तो उसका स्टंप आउट हो जाए जो कोई विकेट कीपर कर सकता है, और व्हेन ही इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्डर, किसी फील्डर को वो रोक रहा है रन आउट करते समय भी, ऐसा बहुत ध्यान देना पड़ता है उसको, उसकी वजह से कोई फील्डर को ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, और या तो टाइम आउट हो जाए, टाइम आउट मतलब ही टेक्स मोर देन 2 मिनट्स जानबूझकर, ताकि क्या हो जाए, बॉल लेट हो जाए एट द फॉल ऑफ द विकेट, ठीक है ना। अच्छा, न्यू बॉल्स इंटरनेशनल क्रिकेट में, आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 नए बॉल से मैच खेला जाता है हर इनिंग को, यस, एक इनिंग को 2 नए बॉल से खेला जाता है, ठीक है ना। 1 बॉल फ्रॉम द ईच साइड, जब बॉलर पहले साइड से बॉल कर रहा होता है तो उसको नई बॉल मिलती है, जब दूसरे साइड चले जाते हैं बॉलर, यस, आपको याद ही है बॉलर साइड चेंज करते हैं, बैट्समैन नहीं चेंज करता है। पावर प्ले एंड फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस, यस, देयर विल बी नो कैचिंग, ध्यान सुन लीजिए, देयर विल बी नो कैचिंग फील्डर्स बिटवीन 1 to 10 ओवर, जी, फर्स्ट से लेकर 10 ओवर तक, पहले 10 ओवर तक, किसमें, 1-day मैचेस में, एंड नो बैटिंग पावर प्ले, नो बैटिंग पावर प्ले बिटवीन 11 to 40, 11 से 40 ओवर तक पावर प्ले अलाउड नहीं है, फर्स्ट 10 ओवर तक ही अलाउड है, याद रखिएगा। फील्डिंग के समय, यस, इन केस ऑफ फील्डिंग 5 फील्डर्स आर अलाउड आउटसाइड द 30-yard circle, याद है ना आपने, पिच के चारों तरफ एक 30-yard circle देखा था, यस, 5 प्लेयर ही उसके बाहर अलाउड है 41 से 50, यस, 41 से 50 ओवर में, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ 4 प्लेयर, 4 की बजाय कितने अलाउड हो गए हैं, 5। अच्छा, इन वन डे इंटरनेशनल्स एंड T20s ऑल नो बॉल्स आर नॉट जस्ट फुटफॉल्स, दे आर फ्री हिट, नो बॉल को फ्री हिट मान लिया जाता है, इसका मतलब है जैसे ही बॉलर ने नो बॉल डाली, बैट्समैन उसको कुछ भी करे आउट नहीं माना जाएगा, फ्री हिट माना जाएगा, ठीक है ना, कहीं वेट कर सकता है। फील्ड को ऑब्स्ट्रक्ट करने पे, अर्थात बैट्समैन अगर फील्डर को रोकता है, गलत दिशा से दौड़ता है रनिंग के समय, रन आउट को रोकने के लिए फील्डर को, यस, फील्डर को रोकता है तो उसे आउट मान लिया जाता है। रनर्स, यस, पहले रनर्स मिलते थे इंजरी में, आजकल रनर्स नहीं मिलते हैं, आजकल ये रूल खत्म, नो परमिशन फॉर रनर्स। रनर्स होते थे जब कोई खिलाड़ी आउट गिर जाता था, घायल होता था खेलते समय, तो बैटिंग तो करता था पर रनिंग के लिए कोई दूसरा आदमी आता था, अब वो अलाउड नहीं है। टू रन फॉर अ नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन, नाउ द बॉलर्स विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट रन आउट नॉन स्ट्राइकर बिफोर द डिलीवरी, यस, सॉरी, अलाउड, नॉट आउट, नॉट अलाउड कर दिया,
अलाउड हो गए हैं। यस, इसका मतलब है बॉलर डिलीवरी करते समय, बॉलिंग के लिए दौड़ते हुए आ रहा है और देख रहा है कि जो नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन है वो क्रीज से आगे निकल गया है, रिटर्न क्रीज से आगे निकल गया, वो वहीं से उसको आउट कर सकता है। पहले ये रूल अलाउड नहीं था जी, पहले ये रूल अलाउड नहीं था। आजकल ये रूल टेस्ट मैच में, वनडे में और टी20 में सब जगह अलाउड हो गया है। नॉन स्ट्राइकिंग बैट्समैन को बॉलर आउट कर सकता है। ड्यूरेशन ऑफ इंटरवल याद रखिएगा, लंच का टाइम 40 मिनट है, टी का टाइम 20 मिनट है, फिक्स है, याद कर लो। यस, फिक्स है। अच्छा, आईसीसी कैन अप्रूवल फॉर 30 मिनट्स ईच। यस, आईसीसी चाहे तो इसको 40-20 करने की बजाय 30-30 मिनट्स कर सकती है और ये टेस्ट मैच में ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, आगे कुछ नए शब्द आने वाले हैं, शायद आपने ये शब्द सुने हैं तो जरूर फिर से ध्यान दीजिएगा। डॉली कैच, अब एक आसान कैच को कहते हैं डॉली कैच, एकदम लप्पो कैच हमारी भाषा में, अरे एकदम मस्त कैच दे दिया है। दूसरा है मेडन ओवर, एक ऐसा ओवर, ये तो जानते हो, एक ऐसा ओवर 6 की 6 बॉल जिसमें बैट्समैन ने रन नहीं बनाया, जिसमें बैट्समैन रन नहीं बना पा रहा था, ही इज अनेबल टू मेक अ सिंगल रन। हैट्रिक, ये भी जानते होगे, जब एक बॉलर 3 विकेट एक के बाद एक, याद रखिएगा बॉल एक के बाद एक ही होनी चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव बॉल्स होने चाहिए, एक भी बॉल रुकनी नहीं चाहिए, 3 बॉल लगातारों पे क्या करे, यस 3 विकेट ले ले, तो उसे हैट्रिक कहते हैं, और जो कि बहुत कम खिलाड़ियों ने लिया है। चेतन शर्मा का हैट्रिक तो आप नहीं भूले होंगे, इंडिया के एक महान खिलाड़ी थे चेतन शर्मा। चलिए खोजिएगा, गूगल करिएगा। रन आउट, सॉरी एक्स्ट्रास, एक्स्ट्रास तब मिलते हैं जब रन नॉट स्कोर, वो रन जो बैट्समैन ने नहीं बनाए, अपने बैट से नहीं बनाए, ये बाय के रूप में मिल गए होंगे, है ना, अब वो लेग बाय के रूप में मिल गए, नो बॉल के रूप में मिल गए, वाइड बॉल के रूप में मिल गए, ये सब, यस ये सब फ्री के रन होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं। रबर, आजकल नया एक नया शब्द इस्तेमाल हो रहा है, शायद आपने न सुना हो रबर। इंटरनेशनल टेस्ट मैच में अगर एक टीम हु विंस मोर मैचेस, जो ज्यादा मैच जीतती है दूसरी टीमों से, इसको कहते हैं तुमने रबर जीत लिया, टू हैव वन द रबर। शायद नहीं सुना था आपने, ओवर तो बताने की जरूरत नहीं, हम लोग रोज खेलते हैं, 6 बॉलों को ओवर कहते हैं, इंग्लैंड में 6 बॉल बोलते थे और ऑस्ट्रेलिया में पहले 8 बॉल होता था। चलिए चिंता मत करिए, अब 6-6 बॉल का ही है। ओवर पिच बॉल क्या होती है, कई बार क्या होता है बॉल डालते समय उसको बाउंस कर देते हैं फार अप द विकेट, एकदम विकेट के नजदीक बॉल कर देते हैं, इससे बैट्समैन को मारना उसे बड़ा आसान हो जाता है, ओवर पिच बॉल के लिए बैट्समैन उड़ा देता है छक्का। सीम क्या होता है, सीम इज द स्लाइट बैंड ऑफ स्टिच। यस, बॉल में सीम होना इस स्टिच एरिया से ही पॉसिबल हो पाता है, इसमें जब बॉल स्टिच करके सिलाई गई, तो लेदर से बनाई गई होती है, ये बॉलर को स्पिन करने मदद करती है। सिटर क्या होता है, आओ देखें, सिटर एक एक्सट्रीमली इजी कैच, इससे पहले बताया था डॉली, डॉली भी इजी कैच होता है और उससे भी इजी कैच को कहते हैं सिटर, हलुआ हमारी भाषा में। स्किटल किसे कहते हैं, टू डिसमिस रैपिडली अ साइड, किसी एक साइड को पूरा आउट कर देना, एक तरफ के पूरे खिलाड़ियों को क्या कर देना, आउट कर देना आसानी से, ज्यादा उसको रन मत बना देना, ठीक है ना। और स्पिन किसे कहते हैं, बॉल को ट्विस्ट करना, यस आजकल तो स्पिनर्स हैं ही। संड्री भी एक नया शब्द है एक्स्ट्रा शब्द के लिए, है ना, ऑस्ट्रेलिया में इसका इस्तेमाल होता है। स्वीप, स्वीप एक तरह का स्ट्रोक होता है, एक तरह की स्ट्राइक होती है, इन विच द बॉल इज प्लेस्ड बिहाइंड द विकेट, बॉल को घुमा के विकेट के पीछे मार देता है बैट्समैन, आगे नहीं मारता है, आगे को तो स्ट्रेट ड्राइव कहते हैं, उठा के बॉल को देख रहे हो पीछे तरफ मार देता है, हाँ घुमा करके बैट पूरे घुमाता है, घुमा देता है, स्वीप कर देता है, चलो झाड़ू लगा देता है, हम कहते हैं अपनी भाषा में। नो बॉल तो जानते ही है, अगर एम्पायर देखता है कि बॉलर की डिलीवरी फेयर नहीं है वो नो बॉल कर सकता है, ठीक है ना, बॉल फेयर नहीं लगती है। गली क्या, ऑफ साइड वाली फील्डिंग की पोजिशन को गली कहते हैं, ठीक है ना, ऑफ साइड में एक फील्डिंग पोजिशन होती है। बाउंसर, एक बॉल जब क्या हो शॉट में चली जाए, अर्थात बहुत पहले आ जाए, पिच हो जाए और बहुत ऊंची उछल जाए, अक्सर क्या होती है बैट्समैन के सर के ऊपर से निकल जाती है, ठीक है ना। साइट स्क्रीन, एक बड़ी सी स्क्रीन बॉलर के ठीक पीछे बाउंड्री के बाहर और नॉन स्ट्राइकर के पीछे भी होती है, ठीक है ना, दोनों तरफ होती है। क्या करती है स्क्रीन, ये बैकड्रॉप का काम करती है, बॉलर के पीछे का बैकड्रॉप, क्योंकि इससे डिस्टर्ब नहीं होता है बैट्समैन देखने पर, क्योंकि अगर क्या होगा
स्क्रीन नहीं होगी तो बैट्समैन को डिस्टर्बेंस होता है ऑडियंस की वजह से, ठीक है ना। सो स्ट्राइकर कैन इजली सी द बॉल, बॉल आराम से वो देख पाता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड एंजॉयड क्रिकेट लेसन, अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज 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 अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को शेयर मत करना भूलना। और एक बात कहूंगा कि आपने कहा सर क्रिकेट मैंने बनाया, अब आप बताइए नेक्स्ट वीडियो क्या होना चाहिए। आपके कहने पे ही अगला वीडियो बनाऊंगा, फुटबॉल, जी फुटबॉल या बैडमिंटन। चलिए वेट रहेगा मुझे आपके कमेंट का, और मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दे रहा हूं क्रिकेट का जो पहला बनाया वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था, जरूर जाएं उसको देखें। थैंक यू एंड बाय फ्रॉम नाउ।